भाई उसको हम सिखाएंगे डिजायर कार चलाना मात्र दस मिनट। छोड़ते रहिए, धीरे धीरे छोड़ना है। बिल्कुल रोड पे गाड़ी चल रही है तो ये बिल्कुल गेट की तरह है, इसी में से आयुष धीरे धीरे निकालेंगे। धीरे धीरे स्लोली स्लोली एक्सीलेटर कम लीजिए और इसको निकाल लीजिए, ठीक है। तरीके से ड्राइविंग सीख गया, ठीक है। हेलो दोस्तों, एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो अभी हमारे पास है ये डिजायर कार और आयुष को हम सिखाएंगे डिजायर कार चलाना मात्र दस मिनट, ठीक है। तो इस वीडियो में आप लोग देखेंगे किस तरीके से कैसे बहुत आसान तरीके से गाड़ी को सीखा जाता है और सीख के चलाया जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा देर नहीं करते, आप लोगों को दिखाते हैं किसमें क्लच ब्रेक एक्सीलेटर कहाँ क्या होता है, गियर क्या होता है, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। चलिए आयुष बैठिए आप अंदर। आयुष राइट साइड से बैठ रहे हैं, ठीक है। मैं लेफ्ट साइड से बैठूंगा और मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि इनमें गियर कौन कौन सी हैं, उसके बाद क्लच क्या है, एक्सीलेटर क्या है और ब्रेक क्या है, और सबका यूज़ भी मैं बता दूंगा। तो जो लोग बिगिनर होंगे बहुत ही आसान तरीके से सीख के गाड़ी को चला सकते हैं, ठीक है। तो पहली चीज मैं इसमें ब्रेक आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। अभी स्टार्ट नहीं करते हैं गाड़ी को। आयुष हालांकि बहुत ही एक्साइटेड है कार को सीखने में, बट एनी वे आप लोगों को हम बताते हैं। अगर नीचे साइड में आप लोग देख रहे हैं ये, तो जो आप लोग को ये दिख रहा है जिसपे पैर रखे हुए हैं इन्होंने, ये है एक्सीलेटर, एक्सीलेटर थ्रोटल इसको ये भी बोलते हैं, और जिसपे अभी इन्होंने पैर रखा हुआ ये है आपका ब्रेक, और ये आपका सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट में जो है ये आपका होता है क्लच। तो आपका क्लच ब्रेक एक्सीलेटर, ठीक है। तो ये इसमें तीन चीज़ दिया हुआ है, इनका यूज़ क्या करना है वो मैं आगे आप लोग को दिखाऊंगा और बताऊंगा। उसके बाद मेन हमारा क्या होता है गियर। तो अगर मैं आप लोग को गियर दिखाऊं तो गियर पे अभी मिट गया हालांकि नंबर्स, लेकिन जो इस साइड लगेगी ये एक नंबर है, इस साइड दो नंबर है, फिर जो बीच में लगती है तीन नंबर है, उसी के जस्ट नीचे चार नंबर है, और ये जो राइट में सबसे है ये आपका पाँच नंबर है, और उसी के नीचे बैक वाली है। तो एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूँ, अगर गाड़ी चल रही है और उस केस में आप फॉरवर्ड में जा रहे हैं मतलब आगे जा रहे हैं, तो पीछे की अगर गियर लगाना चाहे तो भी नहीं लगती है गाड़ी में, एक ये खासियत है, सारी गाड़ियों में ऐसा होता है, ठीक है। तो अब विलंब न करते हुए गाड़ी को स्टार्ट करते हैं आगे, और उसके बाद फिर हम आपको दिखाते हैं। बाकी थोड़ा बहुत इधर मैं आप लोग को बताऊँ, तो ये गाड़ी का स्पीडोमीटर है जिसमें आपको गाड़ी का RPM पता चलता है, गाड़ी में फ्यूल कितना वो पता चलता है, गाड़ी कितने स्पीड पर चलती है वो। उसके बाद मैं अगर गाड़ी को ऑन करूँ इसकी चाबी, तो यहाँ से आपको दिख जाता है कि इसमें आपका ये माइलेज कितना पर लीटर दे रही है, कितना किलोमीटर पर लीटर दे रही है। अभी दिखा रहा है 26, तो डिज़ायर अच्छा माइलेज है। उसके बाद किलोमीटर है, उसके बाद आपका कितना टाइम हो रहा हुआ, तो अभी 11:59 हो रहा है, यानी कि 12 बजने वाला है एक मिनट में, ठीक है। तो गाड़ी का कुछ ये बात रहा है। तो ये गाड़ी है डिज़ायर, और डिज़ायर पे मात्र 10 मिनट में हम आयुष को सिखाएंगे गाड़ी चलाना। तो इस तरीके से आप लोग भी बहुत ही आसानी से खुद से गाड़ी चलाना सीख सकते हैं। बस आप लोग को ध्यान देना होगा क्लच बेयर ब्रेक गियर और स्टीयरिंग पे, ठीक है। तो हम अब स्टार्ट करते हैं इसको, गाड़ी स्टार्ट करिए, उसका चाबी मारिए वहाँ से। तो गाड़ी अभी स्टार्ट हो गई है, क्लच दबाइए, लेफ्ट साइड वाला क्लच है, क्लच प्रेस कर दिया आपने, एक नंबर गियर इधर लग गया है, ठीक है। अब धीरे 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 क्लच छोड़ना है, रेस मत लीजिए अभी, बस धीरे धीरे अभी क्लच छोड़िए, धीरे 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 क्लच छोड़ते रहिए, धीरे धीरे छोड़ना है, धीरे 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 आप देख रहे हैं कि गाड़ी आगे बढ़ती जा रही है, ठीक है। धीरे 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 क्लच अब छोड़ के, अब आप लोग को दिख रहा है कि गाड़ी रोड पे आ रही है, आगे ट्रैक्टर भी आ रहा है। तो अभी गाड़ी स्पीड में नहीं करेंगे, अभी गाड़ी को स्लो ही रखेंगे, क्योंकि अभी पहली बार सीख रहे हैं चला रहे हैं ये, तो इसलिए बहुत स्पीड में गाड़ी को नहीं रखना, अदरवाइज कंट्रोल नहीं हो पाएगी गाड़ी, और ये उस ट्रैक्टर को पास दे भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही रखना है, ज़्यादा नीचे हाँ ऐसे ही रखिए, क्योंकि रोड थोड़ा सा ये सकरा है, पतला रोड है, इस वजह से थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम हो रही है। अगर ये रोड चौड़ा था तो और प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं, हाँ। अब क्लच दबाइए, अब एक नंबर से दो नंबर लगाना है, हाँ इस साइड में, हाँ ठीक है। छोड़िए क्लच, हाँ दो नंबर लग गया है। अभी ये पीछे मैंने आप लोग को बताया था ना कि दो नंबर में चलेगी, तो आप देख रहे हैं कितना धीरे 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 ये गाड़ी चल रही है। तो देखिए आप, बिल्कुल रोड पे गाड़ी चल रही है, मेन फोकस क्या है स्टीयरिंग का, ठीक है, स्टीयरिंग का मेन फोकस है। तो अभी फिलहाल में दो नंबर में चल रहे हैं, ठीक है। तो दो नंबर में इनको चलने देते हैं, क्योंकि अभी पहली बार सीख रहे हैं, तो तीन नंबर में नहीं चलाएंगे, अदरवाइज कंट्रोल करना थोड़ा इनके लिए मुश्किल होगा, ठीक है। तो अभी ये चला रहे हैं, चला रहे हैं ऐसे ही, हम ज़्यादा वीडियो शूट नहीं करेंगे, बस जो मेन मेन पॉइंट है वही मैं वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, सो दैट इजीली आप लोग भी सीखे। तो आप लोग देख रहे हैं कितना बढ़िया ये गाड़ी चला रहे हैं दो नंबर में, अभी दो नंबर से ज़्यादा गियर में अभी नहीं चलेंगे, थोड़ा सा रास्ता और क्लियर मिलेगा तो तीन नंबर में जाएंगे। तीन नंबर थोड़ी सी हाई स्पीड हो जाती है,
जिसमें कंट्रोल करना मुश्किल होता है। आगे आप लोग को दिख रहा बाइक है, तो आप जो है कि ये जो है ना ये वाइट वाली पट्टी, इसे अपना चलते रहिए, देखते रहिए, नीचे गाड़ी ना जाए, धीरे जाइए, स्लो हो जाइए, आगे कार आ रही है तो रुक लीजिए, इधर ही साइड में रुकिए थोड़ा सा, वो कार निकल जाए। तो रोकने के लिए क्या करना है आपको, साइड में रोक लीजिए, आपको क्लच और ब्रेक दोनों आपको प्रेस कर देना है सो दैट कि गाड़ी रुक जाए, ठीक है। तो इस तरीके से ये गाड़ी रुक गई, सामने गाड़ी आ रही थी इस वजह से मैंने इनको रोका, क्योंकि ये पतला रोड था और आगे एक बाइक नंबर है, एक नंबर में फिर से लगा के अब धीरे धीरे क्लच छोड़ना है, रुक जाइए, एक और कार आ रही है तो अभी रोक रहे हैं। तो पहली बार तो आप लोगों ने देखा था कि कैसे इन्होंने क्लच छोड़ के फिर आगे गाड़ी बढ़ाया था, फिर इन्होंने ब्रेक दबा के, क्लच और ब्रेक दबा के गाड़ी को रुका हुआ है, ठीक है। तो फिर ये अभी चलेंगे जैसे ही ये वाली गाड़ी क्रॉस कर जाएगी, तो थोड़ा सा यही नहीं सारी चीज़ों का ध्यान देना होता है, मेन बात है कि ये रोड पतला है, इस पतले रोड की वजह से इन्हें रुकना पड़ता है। तो फिर से ये धीरे धीरे थ्रोटल दे रहे हैं, मतलब एक्सीलेटर दे रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, तो चलते रहिए। तो अभी देख रहे हैं आप कितना स्मूथली सामने गाड़ी चल रही है, तो ये गाड़ी अभी तीन नंबर चल रही है, बीच में होता है तीन नंबर में गाड़ी चल रही है और बहुत ही आराम से चल रही है। तो आप लोग देख रहे हैं कितना मस्त चल रहा है, आप लोग को ध्यान देना है स्टेयरिंग पे और जहाँ पे भी रोकना है तो क्लच और ब्रेक और एक्सीलेटर पे, इन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। तो वैसे ही देख रहे हैं ये मस्त अपना तीन नंबर में गाड़ी चला रहे हैं, इसी तरीके से आप लोग भी सीख सकते हैं मात्र 10 मिनट में कार चलाना, ठीक है। तो आप लोग भी सीखिए और चलाइए कार बहुत ही आसानी से। तो अब ये चलने देते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, ठीक जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। ये रोड दिख रहा है तो रोड पे ही गाड़ी जा रही है, बिल्कुल रोड छोड़ नहीं रही है, पतला रोड है, ठीक है। बाकी अगर देखना है रोड कितना नीचे ऊपर है तो शीशे में दिख जाता है आपको कि रोड से कितना दूर गाड़ी आपकी चल रही है, ठीक है। तो अभी गाड़ी लकीर पे चल रही है, आयुष आप देखते रहिए यहाँ पे टर्न आ गया है, तो एक नंबर में फिर से करिए, धीरे धीरे क्लच को आप छोड़िए, रिलीज करिए, चलते रहिए आगे, देखिए गाड़ी आ रही है, जहाँ पे भी गाड़ी आएगी लग रहा लगता है हल्का हल्का टर्न लीजिए, लेफ्ट साइड में मुड़ाइए 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 और मुड़ाइए, मुड़ जाएगी अब नहीं दिक्कत है, हाँ मुड़ा लीजिए इन्होंने, तो यहाँ पे बहुत ही आसानी से टर्न ले लिया, ठीक है। तो अब देखिए धीरे धीरे ये गाड़ी को आगे लेके चल रहे हैं, फिर आगे भी टर्न है तो वहाँ पे मैं आप लोग को दिखाऊँ कैसे किस तरीके से टर्न देना है। तो टर्न के समय इंडिकेटर को भी यूज़ करना है आपको, इंडिकेटर वाला वो वाला पार्ट है, आप रुक जाइए, गाय आ रही हैं, थोड़ा सा स्लो कर लीजिए, रोक लीजिए, बल्कि गायों का कोई भरोसा नहीं, रोक लीजिए। तो गाय जानवर हैं तो जानवर कोई भरोसा नहीं होता है, इस वजह से रुकना उचित है। अब आयुष रुक जाइए, वो गाड़ी वाला भी आ रहा है, ठीक है, वो जाएगा, उनको कहने की जरूरत नहीं है, चलिए चलिए आप, वो रुक जाएंगे आपके चक्कर में। तो राइट साइड का इंडिकेटर इन्होंने दे दिया है, अब राइट साइड में यहाँ पे ये टर्न ले रहा है, ठीक है। तो ऐसे आप धीरे धीरे बंद कर, अरे बंद हो जाएगा, उसको छोड़िए ना, अपने आप बंद होगा, अच्छा, अरे तो अपने आप बंद हो जाता है, तो ये बिल्कुल गेट की तरह है, इसी में से आज धीरे धीरे निकालेंगे, धीरे धीरे स्लोली स्लोली एक्सीलेटर कम लीजिए और इसको निकाल लीजिए, ठीक है। गाड़ी बीच में है, एकदम सही है, परफेक्ट है, निकल गई बीच में से गाड़ी को, ठीक है चल। तो अभी ये स्मूथ तरीके से चला के लिया है, अब इसके बाद मैं चलाता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा किस तरीके से कैसे ये बहुत आसान तरीके से ड्राइविंग सीख गया, ठीक है, बहुत ही एक्साइटेड थे और अभी सीखने के बाद बहुत ही खुश है। तो इसी तरीके से आप लोग भी ड्राइविंग सीखिए आसान तरीके से। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।